हाय फ्रेंड्स, चलिए आज आपको मैं ऑटोमेटिक फ़ोटो इरेज कैसे करते हैं बताता हूं और फ़ोटो बैकग्राउंड भी कैसे चेंज किया जाता है ऑटोमेटिक। आप पहले क्रोम ओपन कर लीजिए। क्रोम ओपन करने के बाद remove.bg डालिए, टाइप कीजिए यहां पर जो पहले से जो दे रहा है remove.bg, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देगा अंदर, तो आप यहाँ पर जो अपलोड इमेज दे रहा है इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको फ़ोटोज़ देगा, जैसे जो भी आपको इरेज करनी फ़ोटो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, उसे ऐसा क्लिक करके यहाँ पर डन कर लीजिए। दो सेकंड अपलोडिंग हो रहा है और ये देखिए जो हमने इमेज लिए इरेज करने के लिए, यहाँ पर इरेज होकर ऑटोमेटिक आ चुकी है। चाहे तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर ले सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया। और अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, जो हमने फ़ोटो इरेज किए इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड लेना है, तो यहाँ पर एडिट पर आइए। एडिट पर आने के बाद यहाँ पर जो ब्लर दे रहा है, जैसे हमको लाइट ब्लर रखना है या मीडियम ब्लर रखना है या डार्क ब्लर रखना है, वैसे ही यहाँ पर पहली लाइन में जो दे रहा है ब्लर दे रहा है, जो भी आपको ब्लर रखना है वो रख सकते हैं। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड दे रहा है, जो भी बैकग्राउंड हम चाहें ले सकते हैं, जैसे हम ये बैकग्राउंड रखते हैं। देखिए ये जो बैकग्राउंड आ गया, चाहे तो आप यहाँ जो नीचे वाली लाइन से कलर भी दे सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। बहुत आसान है, ऑटोमेटिक अच्छी तरह से फ़ोटो इरेज भी हो जाती है। और चाहे तो आप पीछे कलर देना है कलर भी दे सकते हैं, या आपको बैकग्राउंड ही देना है। बहुत सारे बैकग्राउंड है इसमें, आप देख सकते हैं, जो चाहे आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। मैं ये फ़ोटो लिया हूँ आपको बताने के लिए। आप चाहे तो आपकी ख़ुद की या कोई और भी तस्वीर इरेज कर कर यहाँ पर बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। जैसे हम इस फ़ोटो के पीछे ये बैकग्राउंड रख देते हैं। दो सेकेंड लोड हो रहा है। ये देखिए ये बैकग्राउंड आ गया। और हमें अगर डाउनलोड करना है बैकग्राउंड चेंज किया हुआ इस फ़ोटो को, तो ये जो ऊपर निशान दे रहा है इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो डाउनलोड इमेज दे रहा है इस पर क्लिक करिए। और ये नीचे डाउनलोड ऑप्शन दे रहा है इस पर क्लिक करिए। आपकी इमेज डाउनलोड हो गई है। इस तरह फ्रेंड्स, आप चाहे आपकी फ़ोटो हो या कोई भी फ़ोटो हो, इरेज कर अच्छी तरह इरेज भी कर सकते हैं। चाहे बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड नहीं पीछे कलर देना है तो कलर भी दे सकते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।